हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है ब्यूटी ऑफ नेचर चैनल में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि मेरा नेचर रिलेटेड न्यू वीडियो आप सबके पास पहुंच सके। दोस्तों, आपको पता है कि मैं नेचर रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो आज इस डरावने जंगल के अंदर नाइट का व्यू देखेंगे और इधर का वाइल्ड एनिमल को भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए। अभी जंगल के अंदर हम घुस चुके हैं, जंगल के बीचों बीच हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ के वाइल्ड एनिमल जो है उसको हम साइटिंग करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे सही तरीके से। अभी दोस्तों ज़रूर बने रहिए वीडियो में, ताकि थोड़ा भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो सामने आके तुरंत ही चले जाते हैं जंगल के अंदर, इसलिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। अभी गाड़ी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं जंगल के अंदर। जब तक वाइल्ड एनिमल साइटिंग नहीं हो जाते तब तक आप जंगल का व्यू देखिए। और ये बहुत डरावना जंगल है, आपको पता है जंगल बहुत खतरनाक होता है रात के टाइम। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी एनिमल आपको साइटिंग करके दिखाऊँ, ताकि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं आपको थोड़ा अच्छा लगे। और अगर आप दोस्तों, ये जो जंगल के रास्ते बहुत ख़राब है, इसलिए कैमरा पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, हिल रहा है ज़्यादा कैमरा। फिर भी मैं आपको कोशिश करता हूँ सही से दिखाने की जंगल का व्यू और उसका जो रास्ता है, किस तरह से जो कच्चा रास्ता है अच्छे से बना हुआ नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ते हुए कि आपको जंगल में कुछ भी वाइल्ड एनिमल दिखा दूँ। अभी कोशिश मेरी जारी है आप सबको दिखाने के लिए, ताकि आप सब दिख सके कुछ कोई भी वाइल्ड एनिमल। आगे बढ़ता जंगल के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, तब भी जाकर आप जंगल में एंट्री कीजिए या फिर अंदर जाइए रात को, ताकि आपको जो भी वाइल्ड एनिमल है उनसे खतरा ना हो। अगर आप कभी भी अकेले मत जाइए जंगल में घूमने के लिए, क्योंकि आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप जाएं तो ग्रुप में जाएं या फिर दो जन जाएं, अकेले कभी मत जाइए। क्योंकि कोई भी छोटा जंगल है या बड़ा जंगल हो, कोई भी जंगल हो, जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं, वाइल्ड एनिमल, और नीचे वाले जो स्नेक हो गया या फिर बिच्छू हो गए, वो सब भी आपको काट सकते हैं। इसलिए कभी भी अकेले मत जाइए। आइए अभी आगे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं, कोई वाइल्ड एनिमल साइटिंग हो जाए तो अच्छा लगेगा वीडियो को। मुझे भी इतना मेहनत करके मैं आया हूँ जंगल के अंदर रात को, नाइट के टाइम आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। सेव द फॉरेस्ट, सेव द वाइल्ड एनिमल। थैंक यू दोस्तों।